सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमारे सभी दिव्यजन और जो वृद्धजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर दिव्यजन को वह आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके, आत्मविश्वास के साथ काम कर सके, उसके लिए उसके जीवन में जो बाधाएं आई हैं उन बाधाओं को दूर करने के लिए इन दिव्यजनों को सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। इन दिव्यजनों का बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के लिए है। वो दिव्यजन जरूर हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास है, काम करने की लगन है और अपने पैरों पर खड़े होकर वो देश और दुनिया का नेतृत्व करने की उनकी अभिलाषा है। और इसीलिए मैं जब दिव्यजनों को देखता हूं उनको आंखों में एक अद्भुत आत्मविश्वास है, उनकी काम करने की कुशलता कौशल वह भी अभी अद्भुत है। केवल आवश्यक है उन दिव्यजनों को काम करने के लिए उनके कुछ सहायक उपकरण मिल जाए ताकि उनकी जिंदगी और बेहतर हो सके और काम कर सके। अभी मेरे सामने कई दिव्यजन बैठे हैं, जब मोटराइज साइकिल लेकर ये अपने अपने गांव में जाएंगे कस्बे में जाएंगे तो इनका काम करने की क्षमता और बढ़ेगी। इसी तरीके से हमारे वे लोग हैं जो 60 साल से ऊपर की उम्र है, मैं लगातार अभी लाखेरी बूंदी कोटा इन कैंपों के अंदर जा रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि किस किस तरीके का आत्मविश्वास हमारे दिव्यजनों के जीवन में पैदा हुआ है। मुझे कल एक महिला मिली, वह प्रेमनगर में रहती थी और उस महिला ने कहा कि अबे मुझे मोटराइज साइकिल मिलने के बाद मैं घर पे कपड़े बनाकर और दुकान दुकान और घर घर बेचकर अपने बेटों का और बेटियों का पेट पालने का काम करूं। एक मुझे नौजवान मिला जो कहता था कि मैं बहुत पढ़ना चाहता हूं, मेरे में पढ़ने में लगन है, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी। अब मोटराइज साइकिल होने के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। दिव्यजन जाएंगे, सब दिव्यजन की मन की इच्छा है कि हम किसी के आश्रित नहीं रहें, हम हमारा काम खुद करें, हमारा भी पेट पालें और परिवार का भी पेट पालें। आने वाले समय इन्हीं दिव्यजनों को हम सस्ती दर पर ऋण दिलाकर इनको आत्मनिर्भर बनाने का और काम करेंगे ताकि ये इस गाड़ी के माध्यम से गांव-गांव के अंदर जाकर अपने सामानों को बेच सकते हैं, जो प्रोडक्ट ये खुद बना सकते हैं उनको बेच सकते हैं और समाज भी इनके सहयोग करेगा कि दिव्यजन हमारे गांव में आया है, इनके पीछे एक पेटी लगी है, उस पेटी में सामान रखेगा और गांव का अपना सामान बेचकर रोज दो टाइम की रोटी का इंतजाम करेगा। और इसीलिए इन दिव्यजनों को हम आज मोटराइज साइकिल और अन्य उपकरण दिला रहे हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हम हर दिव्यजन को
जिनमें अटूट आत्मविश्वास है, काम करने की लगन है, जो उनके जीवन में बाधाएं आई है, उन बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ने ये योजना चलाई है। इसी तरीके से मेरे सामने कई वयवन लोग बैठे हैं, कल भी मुझे बहुत सारे लोग मिले। एक व्यक्ति जब मैं गाड़ी से निकल रहा था तो बहुत मुश्किल से चल नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा बाबा कहाँ रहते हो कि मांडल्या रहता हूँ, तो मैंने कहा कि अब कहाँ ठहरोगे कि मैं यहाँ कहीं लाज में ठहर जाऊँगा, सुबह वापस आके कैंप में करूँगा। मैंने कहा खाना, तो उन्होंने कहा एक पैकेट तो मैंने सुबह का खा लिया, एक पैकेट शाम का रख लिया। मैंने कहा आप जाओ मेरे ऑफिस में, मेरे घर पर ठहरो। ऐसे कितने ही वयवर्ध लोग हैं। अभी मैं जब इटावा में घुस रहा था तो एक मुझे कमोट वाली व्हील चेयर कर लेके मिला, उन्होंने रोका कि मैं अब गाड़ी लेके आ गया हूं। मैंने कहा क्या दिक्कत थी, कि हमारे यहां पर देशी बाथरूम में जो बैठने में दिक्कत आती थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी, अब कमोट वाली मुझे मिल गई, अब मैं ठीक से बैठ पाऊंगा और घूम भी कर पाऊंगा। आज यहां कई लोग आए हैं, किसी के गांव में जो दूर दराज गांव के अंदर, मैं मेरे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि हमें हर गांव के अंदर जो भी वृद्धजन मिले, चलने में उसको दिक्कत हो तो उसको इलेक्ट्रॉनिक छड़ी मिले, अगर वो उसकी हड्डी टूट गई और परेशानी है खाट पे, तो उसको व्हील चेयर मिले ताकि वह गांव में घूम सके। कल मैंने देखा कि एक वृद्ध को, एक 14 साल का बेटा उसकी दादी को घुमा रहा था। मैंने कहा क्या करेगा, कि मेरी बहुत इच्छा है मेरी दादी की सेवा करने की, अभी तक मैं दादी की सेवा केवल पैर दबा के करता था, अब दादी की इच्छा होगी तो मैं व्हील चेयर पर ले जाकर दादी को पूरे मोहल्ले के अंदर घुमाऊंगा, और चुग्गा डालने मेरी दादी जाती है, वहां चुग्गा डालना मेरी दादी से। ये संवेदना हमारे सब में होनी चाहिए। गांव में जितने भी वृद्धजन हैं, किसी के दांत नहीं है तो दांत की बतीसी मिलेगी, कोई वृद्धजन सुन नहीं सकता तो उसको सुनने की मशीन मिलेगी, कोई आंखों से देखने, मुझे कल एक बूंदी में एक महिला मिली, उन्हें कहा साहब मेरी आंखों में, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूं लेकिन चश्मा नहीं था, अब मैं घर पे जाकर अखबार पढ़ने लगूंगा। किसी को चश्मा मिलेगा, किसी को व्हील चेयर मिलेगी, और किसी को कमोट वाली व्हील चेयर मिलेगी। कई लोग ऐसे हैं गांव के अंदर जिनकी आंख की रोशनी कम हो गई है, लेकिन वह डंडा लेकर तो चलते हैं। सरकार ने कहा डंडा नहीं, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक छड़ी मिलेगी ताकि वह कम दिखे तो भी दूर से उनको पता चल जाए कि आगे कोई दिक्कत है, खड्डा है या कोई रुकावट है, तो वह छड़ी आवाज करने लगेगी, तो उसके कारण उस छड़ी से चलने का काम करें। गांव के आप अंदर चले जाओ, 20% लोग आपको लकड़ी लेकर मिलते हैं, हमें उन सबको छड़ी दिलाना चाहिए। छड़ी एक चार पहियों टाइप छड़ी भी होती है, जिससे रख के वो आराम से चल सके ताकि गिर न सके, गांव में उबड़ खाबड़ भी हो तो उस गांव में गिर न सके। किसी का गर्दन दर्द है तो उसको कॉलर मिलेगा, किसी की कमर में प्रॉब्लम है, कमर झुक गई है या कमर में दर्द होता है, काम उसको खेत में करना चाहता है तो वह काम कमर में बेल्ट लेकर अपने खेत में काम कर सकता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे उपकरण हैं, लेकिन ये छोटे उपकरण उसकी जिंदगी में एक खुशहाली ला सकते हैं, खुशी ला सकते हैं, समृद्धि ला सकते हैं। और इसीलिए जहां भी हमारी आंखें देखे, जिस गांव में भी हमारी आंखें देखे, आज कुछ लोग यहां पर आए, लेकिन मेरा दावा है इटावा के अंदर अगर सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता केवल मन से गांव में रहने वाले हर बुजुर्ग को माने ये मेरा पिता है, मुझे इसकी सेवा करनी है, ये बुजुर्ग महिला मेरी मां है, मुझे इसकी सेवा करनी है, अगर उसको लेकर गांव से यहां पर आए और उसकी जांच कराएं
और जांच करने के बाद उसको घर पर वापस बिठा कर आए और उसको जो आवश्यक है उपकरण दिलाए, तो उसके चेहरे पे खुशी आएगी, वो आपको जिंदगी भर आशीर्वाद देगा और वो आशीर्वाद आपको जिंदगी में नई राह दिखाएगा। इसलिए आज यहां पर बहुत कम लोग आए, कुछ विभाग को भी मैंने कहा है कि कुछ शीतलता बरतने की कोशिश करें, संवेदना को समझें। जिन लोगों के विकलांग के सर्टिफिकेट कम बने हुए हैं लेकिन विकलांग पूरे हैं, वह अब हाथ से साइकिल चलाने में दिक्कत आ रही है तो मोटराइज साइकिल होगी। इस मोटराइज साइकिल के अंदर आगे लाइट है और इसकी बैटरी पूरे टाइम चलेगी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर देश और दुनिया में बड़ी बड़ी कारें भी मोटराइज साइकिल की तरह बैटरी से चलने वाली है। क्योंकि अगर इनको पेट्रोल की गाड़ी दे तो पेट्रोल के पैसे कहां से लाते, इसलिए सरकार ने सोचा इनको बैटरी दी जाए ताकि वह चार्ज घर पे कर ले और जितना हो 40-50 किलोमीटर रोज घूम सके। यहां पर आए जो लोग गांव के अंदर आज सामान लेकर जाएंगे, तो गांव के अंदर जो लोग और हैं, कितने लोग गांव के अंदर बैठे हैं, मैं जितने गांव में जाता हूं कोई देखता हूं कि किसी के गांव में, मैंने बाबा गांव में दांत कोई ना काय करा जी, अब निकल गई जिंदगी काय करनो छे। उनके गांव में कल मैं जब बूंदी में देखा तो एक ही गांव के 6 लोग बराबर के साथ ही आए थे और 6 के 6 लोग दांत लगा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आप कैसा लगा खाना खा के, कब मजो आयो जी, बहुत दिना से बताऊं बड़ी मुश्किल हो रही थी बिना दांतों के, बैठने दो बैठने दो, उसको दिक्कत मत करो, यही जिंदगी है, इन्हीं को संभाल के रखना है। ऐसे हम सब लोगों को हर गांव के अंदर, हर छोटे छोटी ढाणी के अंदर हमें जाना है और इन वयोवृद्ध लोगों को उनकी जिंदगी और बेहतर हो और खुशहाल हो और समृद्ध हो, हर गांव के अंदर हम जाकर उनको उपकरण दिलाएंगे और आने वाले समय के अंदर इटावा तहसील के हर गांव के अंदर उनका मेडिकल चेकअप कराएंगे, मेडिकल डिजिटल कार्ड बनाएंगे और जिसको आवश्यकता कोटा में होगी कोटा में इलाज कराएंगे, जिसकी आवश्यकता होगी जयपुर में और जिसकी आवश्यकता होगी दिल्ली में और जिसकी आवश्यकता हो देश के किसी कोने में इलाज कराएंगे, लेकिन सबको स्वस्थ रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। हमें आपने चुनकर भेजा है, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें चुनकर आपने संसद सदस्य के रूप में भेजा, अब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये मेरा परिवार है, कोई मेरे पिता के समान है, कोई मेरे मां के समान है, कोई मेरे भाई के समान है, मैं उनके साथ एक बेटे के रूप में एक भाई के रूप में हमेशा उनके साथ खड़ा रहूं। ये बात सही है कि लोकसभा अध्यक्ष के दायित्व मिलने के बाद मेरा आप लोगों से व्यक्ति से मिलना कम होता है और इसीलिए मैं गांव गांव में सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम संवेदना के साथ काम करें, हर व्यक्ति की पीड़ा और दर्द को अपने माता और पिता की पीड़ा समझें तो शायद हम सबके साथ माता पिता की तरह व्यवहार कर उनका आशीर्वाद ले पाएंगे। आज कई लोग आए, मुझे कल भी कोटा के अंदर कई लोग मिले थे जो मोटराइज साइकिल की जरूरत थी लेकिन मोटराइज साइकिल नहीं मिली उनको। हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर इस कैंपों को हर गांव में हर पंचायत में लगाएं, वहां पर ही इनको चिन्हित करें और आने वाले समय के अंदर उसके गांव में वह सामान पहुंचा दें, किसी शिविर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े। मेरा तो हमेशा मन है कि गांव में कैंप लगाए, गांव में उसकी जांच हो और पंचायत पर उसको सामान पहुंचा दे और पंचायत पर वो सामान लेकर चल जाए, क्योंकि मैंने कल बहुत पीड़ा देखी है, कई लोग चल नहीं पा रहे थे, दूर दराज के गांव से आए थे,
कोई 30 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 70 किलोमीटर, यहाँ भी मेरे शहर में बहुत दूर दराज से गांव से लोग आए होंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि अब आपको कोई कैब में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके का अपनाएंगे कि आपके गांव में ही आपको जो आपके आवश्यक उपकरण की आवश्यकता है गांव में मिल जाए, ताकि गांव में बैठा बैठे बैठे आप उपकरण के माध्यम से एक अच्छी जिंदगी जी सके। ये बात सही है साथियों कि अभी बड़ी संख्या के अंदर हमारे दिव्यजनों को उपकरण की आवश्यकता है। आज मोटराइज साइकिल के कुछ लोगों के यहाँ पर आए होंगे, कुछ लोगों ने जांच कराई होगी। ये शिविर कल भी चलेगा ना, ये कल शिविर कल भी चलेगा, कल भी आप अपने गांव के लोगों को लेकर आ सकते हैं। जिनको जैसी आवश्यकता होगी डॉक्टर उनकी जांच करेगा और जांच करने के बाद उनको रसीद देगा और कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर उनको वह उपकरण उनके नाप के, क्योंकि दांत की बत्ती सी बनती है तो नाप लेकर जाते हैं, उसका नाप मिलेगा। आँखों का चश्मा है तो उसके नंबर का चश्मा मिलेगा, कोई का पैर छोटा बड़ा है तो उसके पैर का नाप मिलेगा, कोई की कमर का नाप मिलेगा, ऐसे बहुत सारे आइटमों को अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। मुझे आशा है आज भी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर आए, बहुत अपेक्षा है उनको, बहुत आशा है। मैं अधिकारियों को भी कहूँगा कि वह उसी संवेदना के साथ काम करें, जिस आशा के साथ आएँ, जिस अपेक्षा के साथ आएँ, जिन उम्मीदों के साथ आएँ, उनकी उम्मीदें पूरी हो, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम जब गांव में जाएँ तो कुछ न कुछ जिस बात के लिए लेकर आए हैं वह उपकरण जरूर लेके जाएँ। मुझे आशा है कि सभी अधिकारी संवेदना के साथ काम करेंगे, कल और कैंप लगा कर कल और रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि इनको सभी लोगों को आवश्यक उपकरण मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो लोग बाकी रह गए हैं उनके गांव में फिर शिविर लगाएंगे और सबको आपको आवश्यक उपकरण दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।